मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को नए भारत की समृद्धि का संकल्प बताया है। बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट मजबूत भारत की नींव रखेगा। भारत की गति और दिशा क्या होगी इस बजट से तय होगा। इसके साथ ही बजट भारत को ग्लोबल लीडर भी बनाएगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि भारत को लेकर दुनिया की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें भी ये बजट पूरा करेगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इस बजट से देश भर में करीब 2 लाख गरीब कैदियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भी गरीब लोग जेल में है और जुर्माने या जमानत का पैसा देने में असमर्थ है उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही महिला सम्मान बचत पत्र योजना से महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इस घोषणा के बाद जो है सरकार की काफी सराहना भी की जा रही है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृत काल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृत काल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है।